ये जो रैली थी आज हमारी, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन अवेयरनेस मैसेज टू ऑल दोज ड्रग माफिया पीपल, जो लोग कश्मीर को कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग 32 साल के उस कहर से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारे एलजी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, जिन लोगों के समर्थन सपोर्ट से आईजी साहब, दे हैव सपोर्टेड, दे हैव गिवन ऑल द अरेंजमेंट सिक्योरिटी एंड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हम सब कश्मीर में जो रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, हर घर में ड्रग माफिया का कंट्रोल बन चुका है। जहाँ हमारे क्लास 7th 8th के बच्चे, अभी हम कुछ सेंटरों से निकल के आ गए, 7th और 8th के बच्चे, उनको देखकर हमारा दिमाग ही बैठ गया कि भाई 7th और 8th का बच्चा, क्या मेरी बेटी कोई इतना छोटी बच्ची है जिस बेचारी को पता नहीं है दुनिया के बारे में, वो ड्रग में सेंटर में अपना इलाज करवा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ हर एक कश्मीरी को, जो भी यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम सबको इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल कॉज है, हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, प्रोफेसर, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी बनेगा जब मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के बीच में जो ड्रग का बीच में गैप आ रही है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, जो ये सब काम यहाँ पर जो धंधा यहाँ ड्रग का कर रहे हैं, जो धंधा बेचने का ड्रग का कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।